नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो ना सब लोग? सो आज हम 11th फिजिक्स चैप्टर 4 का सेकंड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल गिवन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। बराबर है, एंगुलर प्रोजेक्शन अगर हम देंगे, हमने पहले टॉपिक देख लिया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अब एंगुलर प्रोजेक्शन से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। ओके, अगर आपने यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, विद द वेलोसिटी यू, सो पर्टिकुलर कुछ एंगल पे थ्रो करोगे, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये बनेगा आपका एक, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा बेटा, u cos थीटा, और यहां पे आपका बनेगा ये आपका u sin थीटा। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, और ये क्या बना आपका u cos थीटा। अगर सर्टेन मोमेंट के बाद हम देखेंगे कि अगर आपका प्रोजेक्टाइल इधर पहुंचा, ठीक है, इस जगह पे, तो इस जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है? टेंजेंशियल टू द कर्व। इस जगह पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, तब वो इसके साथ कुछ अलग एंगल बनाएगा। थीटा तो बनाएगा नहीं, देखो एंगल चेंज हो गया, ये ऐसे एक्सटेंड हो रहा है और ये दूसरी साइड, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस जगह पे उसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ वी एक्स, और इधर मान लेता हूँ वी वाई, और ये है वेलोसिटी वी। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट वेयर वी वाई बिकम जीरो, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है? हाइएस्ट पॉइंट, क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करेगा। ओके, और नो डाउट यहाँ पे उसका वी एक्स क्या होगा? मैक्सिमम वी एक्स ही रहेगा। ओके, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब हाँ, इस पॉइंट पे उसका वी वाई हो जाएगा जीरो। इस पॉइंट पे आप देखोगे तो वो ऐसे आ रहा है, तो वापिस उसके दो कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वापिस वी वाई, और ये हो जाएगा वी एक्स, और ये होगा वी। ओके, और फाइनली जब यहाँ पे वापस पहुंचेगा तो उसके वापस कितने होंगे? दो कंपोनेंट्स होंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, जितना ये थीटा उतना ये थीटा रहेगा। ये उसका वी एक्स कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा जितना हो जाएगा, और वी वाई कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से वो यहाँ से उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, उतनी वेलोसिटी से ही वो यहाँ पे वापस पहुंचेगा। क्लियर हो गया इतना? ये बेसिक्स था। और उसने जितना मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रीच किया है, ठीक है, यहां तक जब वो पहुंचा, उसे हम क्या बोलेंगे? एच एम, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ओके, क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम हाइट। चलो प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं कि ये हमने, अगर एक बंदा है यहां से कुछ, यहाँ पे खड़ा एक बंदा, अब वो अगर किसी भी चीज को फेंकेगा तो थोड़ी देर के बाद वो चीज वापस नीचे ग्राउंड पे ही आएगी, आएगी कि नहीं? ग्राउंड पे आएगी। सो ये हाई, इस पॉइंट पे उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे नीचे गिरेगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल उसका जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आपको दिख रहा है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इज नॉट चेंजिंग। क्यों? बिकॉज वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो उसकी पहले से हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वही रहेगी। वेयर एज वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखोगे, वर्टिकल डायरेक्शन हैज एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू
ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो उसके कारण उसकी वेलोसिटी यहां पे पहले क्या हो रही थी, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर जीरो हो गई, और फिर धीरे 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 इंक्रीज होके मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? और ये जो पूरा रेड कलर का है उसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्लियर हो गया पक्का? श्योर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो, और वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटेशन तो उसे नीचे फेंक रहा है। अब सिंस यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब जो वेलोसिटी से ट्रेवल करा है वही वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, या फिर कांस्टेंट। ओके, पहला कौन सा होगा, पहला होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, और जो दूसरा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, क्यों एक्सेलरेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस जी। क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट है बेटा? पक्का? अब इसके डेरिवेशंस पे आगे बढ़ेंगे। हमने इसकी ट्रेजेक्टरी का डेरिवेशन तो देख लिया है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसका डेरिवेशन जिसका नाम है थोड़ा बहुत टाइम ऑफ फ्लाइट। उससे पहले हम दो चीज लिख लेते हैं, वो है कि एज ऑब्जेक्ट इज और बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity u making angle theta with the horizontal direction। okay, ये चीज सबसे जरूरी है, the velocity u has the velocity, तो कहां थे, velocity u has two rectangular components। number one, पहला component कौन सा आएगा, horizontal, the horizontal component, देखो ऊपर ही लिखा है table में horizontal component, इसलिए मैंने टेबल पहले सिंप्लीफाई कर दिया, ये तो आप डेरिवेशन करोगे तो वहां पे वो डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसलिए द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, ओके, व्हिच रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, व्हिच रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। और जो दूसरा है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, द वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा है वर्टिकल कंपोनेंट, यू साइन थीटा विच चेंजेस विद टाइम, और वो हमने देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था, विच चेंजेस विद टाइम, क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। जैसे जैसे वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी, रीजन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे नीचे खींच रहा है। ओके, सो नो डाउट एक्सेलरेटेड मोशन ही है, बॉडी ऊपर जा रही है दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, इसलिए बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप। बट ड्यू टू उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो बॉडी बिल्कुल स्टॉप नहीं हो जाती है, वो धीरे धीरे अपना पाथ That is trajectory है, वो parabolic बना लेती है, ठीक है, with time under the effect of gravity, under the effect of the gravity, clear हुआ, and this becomes zero at the
हाईएस्ट पॉइंट, ओके वो भी हमने देख लिया, ये पूरा थियरी है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके सो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है, उससे मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। क्लियर हो गया, तो अब स्टार्ट करते हैं। उसको टाइम को मैं टीएम मानता हूं, लेट टीएम बी द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ओके, और उस हाइट को मैं एचएम नाम देता हूं। अब आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला कॉन्सेप्ट याद है, तो v की जगह पे मैं u डालूंगा u। अब देखो ये कौन सा आएगा, vy uy और ay आएगा, ठीक है, सो vy तो जीरो हो जाएगा बिकॉज हमने अभी देखा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो है। uy आपका क्या होगा, uy होगा चेक करो u साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह पे माइनस जी और टी की जगह पे मैं टी एम, क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम हमें क्या लिया है टाइम, उसको मैं टी एम दे देता हूँ टाइम फॉर मैक्सिमम, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एम, तो देर फोर सो टी एम क्या हो जाएगा, टी एम माइनस जी टी एम उस साइड जाएगा तो प्लस जी टी एम, तो सॉल्व करने के बाद यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना, ओके बहुत काम आएगा, डन पक्का, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से, लिख लिया, ओके। अब हम सेकंड फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, सेकंड फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब, फ्लाइट मतलब वो आपका एरोप्लेन नहीं, फ्लाइट मतलब कितना टाइम वो हवा में रहा, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब देखो एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर कोई भी चीज को आप ऊपर से इतना फेंकोगे तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, इतने टाइम को उसको क्या मानेंगे टीएम, और वापस नीचे भी आने में उसको क्या लगेगा टीएम, दैट इज क्या हो जाएगा टू टीएम। हम ये प्रूव करके बताते हैं कि ये टू टीएम कैसा आया, ठीक है, तो लेट अस प्रूव कि भैया ये टू टीएम कैसा आया, ओके चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज द टाइम taken by the projectile from the instant it is projected till it reaches a point in the horizontal plane of projection and it is denoted by TF। समझ लो ना बेटा, यहाँ से स्टार्ट किया और वापिस ये देखो ये उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वहां पे वापिस जहां पे पहुंचेगा तब तक के टाइम को क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे उसको टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। अब वापिस बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना कि भैया यहाँ से स्टार्ट करने के बाद वापिस यहाँ पे पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दो होंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। अगर कोई बंदा ऊपर जाके वापस नीचे ही आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस वाई, उसका जीरो हो जाएगा ना। तो देखो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे प्लेन पे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल इज इक्वल टू जीरो। तो एस वाई का फॉर्मूला आपको पता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई तो जीरो है, यू वाई की जगह पे साइन थीटा, टी की जगह पे टी एफ, देखो लिख लिया, प्लस हाफ ए वाई की जगह पे माइनस जी और टी एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा टी एफ माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर। हाफ जी टी एफ स्क्वायर को उधर लेके जाता हूँ, हाफ जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी एफ, एक टी एफ और एक टी एफ कैंसल, देयरफॉर टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ये 2 जो डिवाइड में है दूसरी साइड ऊपर, 2 u sin थीटा बाय क्या हो जाएगा g। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 into sin थीटा बाय g, तो ये 2 u sin थीटा, g तो क्या आया था हमारा tm, तो ये क्या बोल सकते हैं, tf इज इक्वल टू tm। तो मैंने आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बताया था, टाइम ऑफ असेंट, असेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम सेम होगा, तो टोटल फ्लाइट का टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द ओरिजिनल। क्लियर हो गया, सो देयरफॉर tf इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। डन, पक्का, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब जो हमारा है वो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, हमने मैक्सिमम टाइम फाइंड कर लिया, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट में आपको पता है एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो, दैट इज वी वाई हो जाएगा आपका जीरो। तो मैं यहां पे देखो, आप बोलोगे सर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करो, ना बेटा ना, मैं यहां पे यूज करूंगा, मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में देखो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां पे मेरा हाइट मतलब एक टाइप का डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस फाइंड होगा, यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस फाइंड होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम, तो याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन में दूसरा एक आपका फॉर्मूला है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, और ये आपका वी वाई यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस, याद आ रहा है कहां से आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाला फॉर्मूला, अब याद आ गया। अब वी वाई तो हमारा जीरो हो गया, यू वाई हमारा क्या था, यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा, यू वाई और यू एक्स क्या होंगे, टू ए वाई की जगह पे माइनस जी और एस की जगह पे एच एम, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो यहां से देखो वो हाईएस्ट पॉइंट की बात चल रही है ना, हाईएस्ट पॉइंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एच एम, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया है। क्लियर हो गया, पक्का, डन, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच एम, अभी टू जी एच एम इस साइड आएगा तो टू जी एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो देयर फॉर एच एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। तो ये क्या हो गया आपका हाइट का फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, चलो ना फटाफट से लिख लीजिए, हो गया क्लियर, श्योर, आगे बढ़े, ठीक है, ओके बेटा। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, प्रोजेक्टाइल कितना दूर जाके गिरेगा उसकी बात चल रही है। मान लो यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका इतना दूर, ये तो उसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, बट वो जितना दूर, वर्टिकल कंपोनेंट में मैक्सिमम हाइट बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया, सो रेंज फाइंड करने का
फॉर्मूला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन क्या है, सो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो जितनी देर हवा में रहेगा और वो ग्राउंड पे टच होगा तब तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज कैपिटल आर बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब आपको पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब नो एक्सेलरेशन। तो जब भी ऐसा नो एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू उसकी स्पीड क्या होगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उसकी स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम लगा ना अभी बात करी देखो उसके डेफिनेशन में। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट उसका टी एफ। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने डिराइव किया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब बेटा ये टू साइन थीटा कॉस थीटा मिलके क्या बनाएगा, देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर बाय जी। तो ये मिलके बनाएगा साइन टू थीटा इंटू यू स्क्वायर बाय जी। देयरफॉर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। साइन स्क्वायर नहीं है, साइन टू थीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लेना, साइन टू थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मैथ्स वालों को पढ़ने में आएगा, जो बायोलॉजी वाले हैं वो याद रख लीजिएगा। ओके, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, पक्का ये हमने चार फॉर्मूला सारे डिराइव कर लिए हैं। जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देखो चार फॉर्मूला वापस रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला लिस्ट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होता है उसको हम टी एम बोलते हैं। टी एम, टी एम का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ, यू साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी एफ, क्या होगा उसका फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाय जी, या उसको हम 2 इंटू टी एम भी बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच एम से। उसका फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, और हॉरिजॉन्टल रेंज r का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से रीड कर लिए गया। और इसको ये भी लिख सकते हैं, 2 u square sin theta cos theta by g भी बोल सकते हैं। sin 2 theta लिखो या 2 sin theta cos theta लिखो, मतलब तो एक ही है। क्लियर हो गया, जल्दी से लिख लीजिए फॉर्मूला। चलो ओके स्टूडेंट, एक छोटा सा और डेरिवेशन देख लेते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब अगर आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को दूर भेजा तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा सकता है। ओके, सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर एम फाइंड करना है। जनरली हमने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम वर्टिकल हाइट फाइंड कर ली थी, बट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अब फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ? सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए तो आपको सबसे पहले आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। अब देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, जी तो कॉन्स्टेंट है, बराबर है। यू भी अगर आपने किसी भी चीज से फेंका तो वो भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होना चाहिए आपका, साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा इज मैक्सिमम, तो साइन थीटा इज मैक्सिमम एट वन, क्योंकि साइन की वैल्यू आपको पता है जीरो से लेके वन जाती है और नेगेटिव भी जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा वन हो सकता है। तो साइन कब वन होता है, तो बेटा साइन 90 पे वन होता है। याद आया? अब देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो एनी प्रोजेक्टाइल
फायर्ड एट एन एंगल, फायर्ड या थ्रोन एट एन एंगल 45 विल हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब वो कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी तो उसको हम आर एम बोलते हैं। आर एम तो देखो हमने बता दिया कि भाई ये साइन 2 थीटा तो 1 हो जाना चाहिए, तो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर बाय जी। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? क्योंकि देखो मैक्सिमम होने के लिए ये साइन थीटा ही मैक्सिमम होना चाहिए, यू स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा तो वो तो मैक्सिमम है, जी भी कॉन्स्टेंट होता है वो, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता, मतलब ये 1 होना चाहिए। क्लियर विद दिस पार्ट? श्योर? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, एक और छोटा सा टॉपिक, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सारे जो टॉपिक है ना वो एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। दिस इज फॉर एन एंगल थीटा, बट इफ अ प्रोजेक्टाइल इज thrown with angle 90 minus theta, ठीक है, 90 minus theta angle से मैं फेंक रहा हूं तो therefore उसकी रेंज r dash हो जाएगी। u square sin 2 theta की जगह पे 90 minus theta by g, तो r dash is equal to u square sin 2 into 90 कितना होगा 180 minus 2 theta by g। और आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पता होना चाहिए साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा बेटा, साइन 2 थीटा ही होगा, क्योंकि 180 माइनस 2 थीटा, ये देखो ये 0, ये 90, ये 180, 180 माइनस 2 थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, याद रहेगा अब ये चीज, भूलना मत। तो therefore आप बोल सकते हो r is equal to r dash। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मान लो कोई भी प्रोजेक्टाइल को अगर 30 डिग्री से फेंका, ठीक है, या आप उसको 60 डिग्री से फेंक रहे हो, दैट इज 60 डिग्री से फेंकोगे, दोनों सेम जगह पे आके मिलेंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 25 डिग्री से फेंका, ठीक है, या उसको आप 75 डिग्री से फेंक रहे हो, दोनों क्या करेंगे, एक ही जगह पे मिलेंगे, ठीक है, एक ही जगह पे मिलेंगे मतलब उन दोनों के प्रोजेक्टाइल की हाइट रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई फॉर अ गिवन projectile if it is thrown with angle theta or 90 minus theta it will cover same horizontal range। clear हो गया? पक्का? चलो pause the video and note it down बेटा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फाइनली न्यूमेरिकल्स। चार पांच न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो ही हम इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न कर लो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे गिवन लिखने का हमेशा। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, मतलब यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 28 मीटर पर सेकंड, फिर कितना एंगल पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, अब अबाउट हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। ए है, मैंने उसकी जगह पे 1 लिख लिया, तो मैक्सिमम हाइट, एच एम का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, एच एम का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, अपॉन 2, और जी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है नहीं है तो हम क्या लेंगे, जी इज इक्वल टू 9.8। तो एच एम कितना होगा 28 का स्क्वायर 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8, साइन 30 होता है, हाँ
हाफ का स्क्वायर 1/4 / 2 × 9.8। करो तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, जल्दी से करके बताओ। आंसर आएगा 10 मीटर। ओके, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है? टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। अब देखो यहाँ पे उन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोला है, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा खींच के ट्विस्ट करके कान पकड़ेंगे बट घुमा फिरा के पकड़ेंगे, ऐसी हालत है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin θ/g, 2 u की जगह पे 28, साइन 30 की जगह पे, साइन 30 की जगह पे सीधा मैं हाफ लिख लूं और जी की जगह पे 9.8, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 28/9.8 कितना हो जाएगा? 2.9 सेकंड। और तीसरा क्या पूछा है? डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। ये भी देखो ट्विस्ट करके पूछा है। क्या पूछा है? हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि देखो क्या बोला है, सेम लेवल तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लो यहां से बॉल फेंका तो वापस सेम लेवल पे आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ही फाइंड करनी है ना। सो आर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ? u² sin 2θ/g। ओके, यू स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, साइन 2 × θ मतलब कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, अपॉन जी कितना होगा? 9.8। साइन 60 होता है √3/2। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 69.3 मीटर। ओके, पक्का? अभी कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ रहा हूं, डन। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है? अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर, मतलब आर उसकी 50 मीटर है, एंड रिच इज अ मैक्सिमम हाइट। वाह, एच एम भी दे दिया है, कितना है? 10 मीटर। आप बोलोगे सर आप स्मॉल एच क्यों लिख रहे हो, कैपिटल एच लिखो। सिर्फ कैपिटल एच लिखो तो भी चलेगा, कैपिटल एच एम लिखो तो भी चलेगा। कैलकुलेट द एंगल पूछा है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर की वैल्यू, रेंज की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी। यू स्क्वायर साइन 2θ की जगह पे मैं 2 sin θ cos θ/g लिख सकता हूँ। ओके, और एच एम, एच एम का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। एच एम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है, डिवाइडिंग बोथ। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, r अपॉन एच एम, तो r ऊपर क्या रहेगा? u स्क्वायर 2 sin θ cos θ/g होल अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो पहली बात तो u स्क्वायर गया, gg भी गया, ये 2 कट नहीं होगा, ये 2 का 2 ऊपर चला जाएगा, एक साइन थीटा और एक साइन थीटा भी चला गया। तो क्या होगा? आर अपॉन एच एम, ये 2 गया ऊपर, 4, ठीक है, क्या बचेगा ऊपर? कॉस थीटा, और नीचे बचेगा साइन थीटा। ओके, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे अरे भाई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनेगा तो कैसा चलेगा। हाँ, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 50 मीटर, HM की वैल्यू क्या है 10 मीटर, इज इक्वल टू 4 × cos/sin, मतलब ये हो जाएगा cot थीटा, ये 0 0, अगर cot थीटा दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/cot θ, ये 4 और ये 5 नीचे आ जाएगा। 1/cot θ इज व्हाट? 10θ, और 4/5 होता है 0.8, और थीटा इज इक्वल टू, हमको तो थीटा ही फाइंड करना है, दूसरे साइड जाएगा तो 10 inverse 0.8। अंटिल एंड अनलेस आपके पास इसकी वैल्यू ना गिवन हो तो आगे सॉल्व नहीं करना। सो इतने एंगल से हमको प्रोजेक्टाइल थ्रो करना पड़ेगा। मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालना आती है नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल में से, तो इसकी वैल्यू निकलेगी अप्रोक्सीमेटली 38.66 डिग्री। क्लियर हो गया? पक्का? अगर नहीं दिया हो तो आपने इधर तक लिखोगे तो भी सही है। आगे बढ़े बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट पासिस थ्रू अ विंडो 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, पहले तो डायग्राम समझते हैं। देखो ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग की क्या है? विंडो है, जो कितनी ऊपर है? 19.2 मीटर ऊपर है, और हमारे पास ये एक बॉय यहाँ पे खड़ा है। कितना दूर खड़ा है? 19.2 नहीं है, 19.6 मीटर है, 39.2 मीटर दूर खड़ा है। यहाँ से वो बॉल फेंकेगा ना, देखो यहाँ से वो बॉल फेंक रहा है, तो वो बॉल विंडो को पास हो जाना चाहिए। बॉल जो है ना वो जस्ट विंडो से पास होगा और वापस ग्राउंड पे गिरेगा।
क्लियर हुआ थोड़ी मेरी डायग्राम की, क्या है कि क्या बोल सकते हैं कि डायग्राम मेरा बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है सर, तो ये तो एक टाइप का प्रोजेक्टाइल हो गया। तो सर ये 19.6 का मतलब ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि क्या बोला है, जस्ट पास इज थ्रू द विंडो, विंडो से जस्ट पास हो रहा है, मतलब ये उसकी क्या हो जाएगी, HM। तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, तो जितना 39.2 है तो 39.2 इस साइड भी हो जाएगी, तो रेंज उसकी हो जाएगी डबल। क्लियर हो गया, किसी को कुछ डाउट, पक्का आगे बढ़े? ओके, सो अगर हम आगे सॉल्व करने की स्टार्ट करें तो इसकी हमारे पास HM दिया हुआ है, HM कितना होगा 19.6 मीटर। हमें क्या फाइंड करना, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये हमारे पास गिवन है, और रेंज उसकी क्या हो जाएगी, रेंज उसकी मैंने आप जैसे आपको बोला 2 × 39.2, मतलब ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा आपका 78.4 मीटर। डन, श्योर, ओके। अब हमने अभी सेकंड एग्जाम्पल में देखा था, वैसे ही वापस सॉल्व करेंगे हम, पहले थीटा तो फाइंड करें, जब तक थीटा फाइंड नहीं होगा तब तक तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो वापस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी, और HM की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, डिवाइडिंग बोथ, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे सो आर अपॉन HM इज इक्वल टू क्या होगा, चलो अब आगे हमने सॉल्व किया, यूज कर कैंसिल, जी जी कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 4 cos थीटा बाय साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, इस साइन थीटा को ऊपर लेके जाता हूँ, इस साइन थीटा को ऊपर लेके जाता हूँ, कॉस थीटा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ये HM को ऊपर लेके जाता हूँ 4 HM बाय आर, तो देयर फोर मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन बाय कॉस इज 10 थीटा इज इक्वल टू 4 HM बाय आर। और ये है ना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये है रिलेशन बिटवीन HM एंड आर, ठीक है, हाइट और रेंज का रिलेशन है। ओके, 10 थीटा इज इक्वल टू 4 HM की वैल्यू कितनी है 19.6, और आर की वैल्यू कितनी है 78.4, ये दोनों कट होंगे 4 से, ये भी कट होगा 4 से, तो 1, तो 10 थीटा का 1 होता है, तो 10 थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे। अब तो सब कुछ मिल गया आपको, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अब आप चाहे तो आर का फॉर्मूला यूज कर दो, आर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हमें क्या फाइंड करना है, आर, आर कितना निकला हमारा 78.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे कितना निकला बेटा 45। ये 45 क्यों निकला पता है, 10 थीटा का वन होता है 45 है, 2 थीटा बाय जी, जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8, तो साइन 2 × 45, साइन 2 × 45 जल्दी से बताओ कितना होगा, ये पूरा पार्ट आपका, ये पूरा पार्ट आपका साइन 2 × 45 मतलब साइन 90, ये तो इक्वल टू 1 होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ये यू स्क्वायर, तो देयर फोर यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 × 78.4, तो हेंस यू की वैल्यू सॉल्व करने के बाद, जल्दी से पॉज द वीडियो और सॉल्व करने के बाद बताओ तो बेटा कितनी आएगी, सॉल्व करने के बाद आएगी 27.72 मीटर पर सेकंड। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम थोड़ी जगह रखूंगा ताकि इजीली क्लियर हो, 27.72 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखो, कब, व्हेन इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता है आर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी, और HM का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, डिवाइडिंग बोथ। अभी दो बार डिवाइड करके देखा तो क्या होगा, आर अपॉन HM इज इक्वल टू 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा,
देयरफॉर ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके ओके, थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, थीटा की वैल्यू ओके सिंप्लीफाई करें, आर बाय एच एम इज इक्वल टू फोर कॉट थीटा। ओके बट हमारे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना निकला, 45 डिग्री, तो देयरफॉर आर बाय एच एम इज इक्वल टू क्या होगा, 4 कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 क्या होता है, कॉट 45 होता है 1, तो हेंस आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 एच एम। कितना होगा, 4 इंटू एच एम, तो वही फाइंड करना है ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट है उससे 4 गुना हो जाएगा, हो गया प्रूफ। कितना सिंपल है कि नहीं, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब u cos थीटा है उसका 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो अब ध्यान से देखना बेटा, u cos theta is equal to 19.6, u cos 30 degree is equal to 19.6, तो u is equal to 19.6 upon cos 30 degree। बताओ तो बेटा cos 30 कितना होता है, root 3 by 2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 19.6 into 2 divided by root 3, calculate करके बताओ कितना आएगा आंसर। ओके, जिनका आंसर 39.2 मीटर पर सेकंड आया वो सही है, हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है, तो देयरफॉर सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं। मैक्सिमम हाइट एच एम का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सो एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर क्या निकला, 39.2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या निकला, 30 डिग्री अपॉन 2, जी की वैल्यू 9.8, सो एच एम इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके बताओ इसका फाइनल आंसर कितना आता, जल्दी से पॉज, साइन 30 हाफ होता तो हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मैक्सिमम हाइट का, सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g नहीं होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, और वो गलती है, मैंने वो गलती क्यों नहीं देखी वो मेरी, मुझे समझ में नहीं आता, माफ कर देना, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि क्वेश्चन रीड करना ही मैं अच्छे से भूल गया। विद वर्टिकल है, मतलब ये 30 डिग्री इसके साथ बनाता है, और हमने जितना भी कैलकुलेशन किया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा, 60 होगा ना, तो ये थीटा इज इक्वल टू 30 गलत है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 60। ओके, ये थीटा इज इक्वल टू 30 किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है, ये गलती आप ना करिएगा, समझ में आया बेटा, क्लियर हो गया, ये गलती आप ना करिए, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा रहा हूं। तो अभी हमारे पास u cos थीटा इज इक्वल टू 19.6 है, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19.6 अपॉन cos थीटा की जगह पे cos 60 डिग्री, तो u इज इक्वल टू 19.6, तो cos 60 होता है तो cos 60 तो अपना हाफ होगा, मैं वही सोचूं कि भैया इसका आंसर कैसे कैसे है, तो हाफ, तो u की वैल्यू 19.6 इंटू 2, तो u की वैल्यू हो जाएगी 39.2 मीटर पर सेकंड। अभी हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी, मैक्सिमम हाइट एच एम का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो देयरफॉर एच एम इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब कितना निकला हमारा, 39.2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या निकला, 60 डिग्री अपॉन 2, जी की जगह पे क्या निकलेगा, 9.8। चलो जल्दी से पॉज द वीडियो और कैलकुलेट अब करके बता अब सही है, जिनका आंसर 58.8 आया वो सही है, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होगी, रूट 3/2 मतलब 3/, उसका स्क्वायर मतलब 3/4। ठीक है, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। अब बोलोगे सर सब हम ही करें, आप क्या करोगे, तो बेटा प्रैक्टिस आपको करनी है, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन पे। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, ओके हॉरिजॉन्टल रेंज आर का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। वापिस चलो, यू स्क्वायर कितना है,
39.2 का स्क्वायर 2 साइन 60 कॉस 60 अपॉन जी 9.8। सारी वैल्यूज पुट करना आती है कि नहीं? 2 साइन 60 होगा रूट 3/2, कॉस 60 होगा हाफ अपॉन जी होगा 9.8। ये 2 कैंसल, ये 2 आएगा नीचे। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, आर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो। जिसका आंसर 135.8 मीटर निकला वो सही है। क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? ओके, चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है? और वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट अ गिवन गन विल शूट 3 टाइम्स एज हाई व्हेन एलिवेटेड एन एंगल 60 डिग्री एज व्हेन फायर्ड एट 30। अगर 30 डिग्री पे जितना फेंकोगे उसके कंपैरिजन में 60 डिग्री पे फेंकोगे तो वो 3 गुना ज्यादा ऊपर, कैरी द सेम डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब सेम डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब आर उसका क्या होगा? फिक्स होगा। मतलब समझ रहे हो? मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं कि अगर आपने 30 डिग्री पे जो फेंका और 60 डिग्री पे फेंका, सो 30 दोनों में आर सेम है। अगर ये एच है ना, सो इट विल 3 टाइम्स एज हाई। सो ये कितना हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए आपका 3H। क्लियर हो गया? पक्का? ये किसका वाला केस? ये 30 वाला केस और बाहर वाला 60 वाला केस, हमको ये प्रूव करना है। क्लियर विद दिस पार्ट? श्योर? आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको पता है कि द वर्टिकल हाइट, ठीक है, दैट इज HM, उसका फॉर्मूला क्या है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए। तो केस वन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो HM की वैल्यू क्या हो जाएगी? U स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाय 2G। मैं इसको H1 नाम देता हूं। H1 U स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का स्क्वायर 3/4, सो 2G इंटू 4 मतलब ये क्या हो जाएगा? 3U स्क्वायर बाय 4 इंटू 2G। नंबर वन करके छोड़ देता हूं। केस टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, उसको मैं H2 नाम देता हूं। तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? U स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाय 2G। सो H2 साइन 30 क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो ये क्या हो जाएगा? U स्क्वायर बाय 2G इंटू 4। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग 1 एंड 2, सो H1 बाय H2 डिवाइड करो। H1 आपका क्या है? 3U स्क्वायर बाय 4 इंटू 2G, और 2 क्या है? U स्क्वायर बाय 4 इंटू 2G। U स्क्वायर कैंसल, 2G कैंसल, 4 कैंसल, सब कुछ कैंसल, आंसर आएगा 3/1। सो H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? और ये भी पूछा है बट विल कैरी द सेम डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये रेशियो तो मिल गया 3:1। तो अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज पहला, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड सेकंड केस में फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आप इसको थीटा वन और इसको थीटा टू मानो, थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 हो रहा है, तो हमने प्रूव करके देखा है फॉर टू प्रोजेक्शंस, फॉर टू प्रोजेक्टाइल विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। याद करो, पूरा प्रूव करके बताया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 90, द मैक्सिमम रेंज और द रेंज विल बी इक्वल। और अगर आपको इसको प्रूव करके बताना है तो आप क्या बता सकते हो? एक बार इससे रेंज फाइंड करो, इससे रेंज फाइंड करो, दोनों इक्वल ही आएंगे, तो क्यों बार बार इतनी भेजामारी करें? क्लियर हो गया? सो बेटा यहाँ पे हमारा टॉपिक ये खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। हमने जो भी सारे फॉर्मूलाज देख लिए हैं वो आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और
आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, इवन एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काम आएगा। मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस इस लेवल के मैंने लिए नहीं है। आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स होंगे और आपके पास बुक्स भी होंगी, आप रिफर कर सकते हो। मेरा मेन फोकस क्या है, 12th, 11th और 12th। 11th में आप अच्छा स्कोर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी उसके रिलेटेड आपको मेन फॉर्मुलाज मैंने सिखा दिए हैं। अब थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप करते रहिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, टेक केयर बेटा।